हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज करंट अफेयर्स का वीडियो है और आज बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की। 10-10 दिन के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं इस चैनल पे। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल में जाके और वीडियोस भी देख सकते हैं। इस चैनल पे स्ट्रेटेजी की बात भी की जाती है और प्रिपेयरिंग से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो इस चैनल पर होता है। तो आज करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है। सबसे पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, ये नाम आपको याद रखना है। अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री बने हैं। केपी शर्मा ओली ने भारत की यात्रा की कुछ सेट पेपर्स में या कुछ प्रैक्टिस सेट पेपर में। ये बहुत पूछा जा रहा है कि किसने यात्रा की और क्या समझौते हुए, तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके उसको बताया कि सबसे पहले तो नेपाल के प्रधानमंत्री की ये पहली विदेशी यात्रा थी। जब से केपी शर्मा ओली इस बार प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पहली विदेश यात्रा है भारत की, क्योंकि भारत नेपाल के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझौते हुए नेपाल सीमा पर सेज की स्थापना करेगा, जो भारत से लगी उसकी सीमा है उस पर सेज बनाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है सेज का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेज का फुल फॉर्म है। दूसरा, रक्सौल से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, रक्सौल से काठमांडू। तीसरा, मोतिहारी से अमलेखगंज तक पाइपलाइन डाली जाएगी जिसमें जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल वगैरह है उसको सप्लाई किया जाएगा नेपाल तक, तो मोतिहारी से अमलेखगंज तक। और चौथा है बीरगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का जो है अनावरण किया गया था, उद्घाटन किया गया था बीरगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। दूसरी बात, बीजेपी का 38वां स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का 38वां स्थापना दिवस जो है आयोजित किया गया। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी, ये मुंबई में आयोजित किया गया था क्योंकि मुंबई में ही पार्टी की स्थापना हुई थी। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गियून को जो है 24 साल की सजा मिली है क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थी। नाम आपको याद रखना है, देश का नाम भी आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो रेड कलर से लिखा हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, प्रधानमंत्री ने पीएसयू के लिए 5P, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। प्रधानमंत्री ने पीएसयू जो होती हैं जैसे बीएचईएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, इनको पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसके लिए 5P का मंत्र दिया है। 5P मतलब परफॉर्मेंस प्रोसेस पर्सोना प्रोक्योरमेंट प्रिपेयर। दोबारा देखते हैं, परफॉर्मेंस प्रोसेस पर्सोना प्रोक्योरमेंट और प्रिपेयर, ये 5P का जो मंत्र है पीएसयू को लिए दिया है प्रधानमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के जो एचपी है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 9वीं भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस, 9वीं भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस कहां पर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को ये याद होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, आईपीएल का 11वां संस्करण इस बार शुरू हुआ है। जैसा कि आपको याद भी होगा आईपीएल का 11वां संस्करण बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 11वां संस्करण इस आईपीएल में 8 टीमें भाग लेंगी, 51 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा और इस दौरान 60 मैचेस खेले जाएंगे। T20 का ये टूर्नामेंट होता है आईपीएल, बीसीसीआई से कंडक्ट करती है। डेविस कप का पहले तो पूछा जा सकता है डेविस कप का संबंध किससे है, तो लोन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। डेविस कप के इतिहास में सबसे सफल युगल खिलाड़ी कौन बन गए, भारत के लिएंडर पेस बन गए। इन्होंने 43 मैचेस जीते हैं डेविस कप के इतिहास में, लिएंडर पेस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है मॉरिशस में किया जाएगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां, मॉरिशस में। बहुत ज्यादा संख्या में भारतवंशी रहते हैं मॉरिशस में, इसलिए 11वां। 10वां आपको याद होगा भोपाल में आयोजित किया गया था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां होगा मॉरिशस में। 3R, ये 3R का संबंध जो है वो नगर पालिकाओं नगर निगमों से है। तो 3R में क्या फॉर्मूला है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल, ये नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए है। HRD मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय ने, या फिर जिसे शिक्षा मंत्रालय भी हम कह सकते हैं, मंत्री हैं इसके प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक सूची जारी की है, भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज की एक सूची जारी की है। तो ये डिस्कस करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ये। तो यूनिवर्सिटी की ओवरऑल बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है वो फर्स्ट रैंकिंग पर आता है। HRD द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में फर्स्ट आता है। अगर यूपी की
पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिल्ली और यूपी दो ऐसे स्टेट हैं जिनकी दो दो यूनिवर्सिटी टॉप 10 में है, दिल्ली की डीयू और जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टॉप 10 में है, और यूपी की भी दो बीएचयू और बीएचयू और एएमयू, ये दो यूनिवर्सिटीज जो है यूपी की टॉप 10 में है। मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद मैनेजमेंट में टॉप कॉलेज है, इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटी मद्रास, कॉलेजेस की बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली का जो कॉलेज है वो टॉप कॉलेज है, मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, लॉ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बैंगलोर, और फार्मेसी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षण अनुसंधान संस्थान जो है वो फार्मेसी में टॉप नंबर पर है। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई का जो है पेपर लीक हुआ था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सेंट्रल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन का, उसकी परीक्षा की प्रक्रिया जो है उसको रिव्यू करने के लिए समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, वी एस ओब्रॉय समिति। तो क्यों जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो क्योंकि अभी सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था और ये बड़ी घटना थी, तो ये आपको समिति याद रखना है, समीक्षा के लिए वी एस ओब्रॉय समिति का गठन किया गया है, मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट। अगली बात बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में निश्चित आने वाली है, आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति इस वित्त वर्ष की, जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी इसे इंग्लिश में कहते हैं, आरबीआई इसकी घोषणा करते हैं, आरबीआई ने की है तो रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75, सीआरआर 4%। दोबारा सुनिए, रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75% और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4%। इस वर्ष जो आरबीआई ने कैलकुलेट किया है कि भारत की विकास दर जो है इस वित्त वर्ष में 7.4% रहेगी। कैम्ब्रिज एनालिटिका, बहुत नाम इसका चर्चा में चल रहा है, ये ब्रिटेन की कंपनी, ये बात और याद है कि ये ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने टोटल 8,70,00,000 फेसबुक यूजर्स का जो डेटा है पर्सनल डेटा वो चुराया है। टोटल कितना नंबर है 8,70,00,000, इसमें भारतीय कितने हैं 5,62,000, इसमें भारतीय है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ब्रिटेन की कंपनी, जबकि फेसबुक अमेरिका की कंपनी, मार्क जुकरबर्ग इसके जो है मालिक है फेसबुक के। अजरबैजान की राजधानी बाकू में नाम नॉन अलायंस मूवमेंट जो पंडित जी द्वारा शुरू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इसमें योगदान निभाया, नॉन अलायंस मूवमेंट का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, गुट निरपेक्ष भी इसको हिंदी में कहते हैं, तो नॉन नाम का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो बाकू में आयोजित किया गया, अजरबैजान की कैपिटल है, और नॉन अलायंस मूवमेंट के मेंबर कितने वर्तमान में 120 मेंबर है नॉन अलायंस मूवमेंट के, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नाम है कामी रीता शेरपा, 22 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 22 बार ये एवरेस्ट पर चढ़े हैं, अभी तक का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश सरकार ने, इसमें आपको स्टेट का नाम पूछेगा अगर पूछेगा तो, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 बाबाओं को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, कितना बाबाओं को 5 बाबाओं को राज्य मंत्री स्तर का जो है व्यवस्था दी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाले, कर्नाटक में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद चुनाव कहां होंगे मध्य प्रदेश में होंगे। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने अपने 6 साल का, जैसा कि आपको पता होगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष होता है, तो सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा के नामित सदस्य थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कितने साल के लिए करता है 6 साल के लिए करता है, क्योंकि राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसलिए जो सचिन तेंदुलकर है राज्यसभा सांसद थे और 6 वर्ष का पूरा इन्होंने सैलरी अपनी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दी है। तो ये पूछ सकता है कि किस राज्यसभा सांसद ने अपनी पूरी सैलरी दान में दे दी है, तो वह है सचिन तेंदुलकर। दूसरा सबसे, भारत जो है इंडिया जो है चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, दूसरा सबसे अधिक मोबाइल निर्माण करने वाला देश बन गया, पहला कौन सा है चाइना है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्माण करने वाला देश बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 3 फसलों, ये यूपी कॉन्स्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 3 फसलों की सरकारी खरीद की है, कौन कौन सी फसलें, सभी रबी की फसलें, क्योंकि अभी रबी का सीजन खत्म हो रहा है, तो रबी की फसलें कौन कौन सी, चना सरसों और मसूर, ये 3 फसलें जो जिसको खरीद उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल की शुरुआत की है, ये पोर्टल है निवेश मित्र
जिसमें जो नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं उनके लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा ऑनलाइन दिया जाएगा। और इसकी विशेषता इस बार ये रही है कि इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम टर्नओवर नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस खोलना चाहता है इस पोर्टल से सहायता ले सकता है। 5 करोड़ 10 करोड़ का कोई मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट टर्नओवर नहीं रखा गया है। तो मिथाली राज जो भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अभी तक कोई भी महिला 192 ODI वनडे इंटरनेशनल नहीं खेल पाई है। मिथाली राज ने जो है इसका रिकॉर्ड बनाया। अभी तक सबसे हाईएस्ट जो ODI खेले वो मिथाली राज ने खेले हैं वर्ल्ड में। नासा ने सबसे दूर का तारा यह हब्बल टेलीस्कोप से खोजा गया। नासा का एक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में है जिसका नाम है हब्बल टेलीस्कोप। तो हब्बल टेलीस्कोप से खोजा गया यह तारा और सबसे दूर का तारा अभी तक खोजा गया सबसे दूर का तारा है और इसका नाम रखा गया इकारस। सबसे दूर का तारा हब्बल टेलीस्कोप से खोजा गया जिसका नाम रखा गया इकारस। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस चैनल पे जो वीडियो है उनको आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए।